Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें यूनिट 3 वर्डपैड का चैप्टर नंबर 3 कंटेन करना है. Students, आज की इस वीडियो में हमें वर्डपैड में कैलेंडर बनाना सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. Students, आप कैलेंडर बनाने से पहले अपने वर्डपैड में एक बार इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा. जो आपका ये देखिए रूलर आ रहा है, ये मेरा जो रूलर है वो सेंटीमीटर्स के अंदर आ रहा है. जैसे 1, 2, 3, 4 ये सेंटीमीटर्स में आ रहा है. आपको इस रूलर को सबसे पहले इंचेस में चेंज करना है. तो इंचेस में चेंज करने के लिए आप जाएंगे व्यू ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे देखिए आपको मेजरमेंट यूनिट्स मिल जाएगा. आप इसमें जा करके इंचेस को सेलेक्ट कर लीजिएगा. तो देखिए ये आपका जो रूलर है उसकी मेजरमेंट यूनिट इंचेस में हो जाएगी. 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए जो ये मेरा कर्सर है ये यहाँ से शुरू हो रहा है. मैं चाहता हूँ ये कर्सर मेरा यहाँ से शुरू हो. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेज का सेटअप करके मार्जिन को कम करना होगा. तो कैसे मार्जिन कम करेंगे, देखिए आपको जाना है फाइल ऑप्शन पे, उसके बाद जाओगे आप पेज सेटअप ऑप्शन पे. जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखो यहाँ मार्जिन इन इंचेस का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में 1 1 इंच का मार्जिन लगा हुआ है. ओके, मैं चाहता हूँ लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन है वो कम हो जाए. तो आप क्या करोगे, यहाँ कर्सर रखोगे, 1 को हटा करके 0.333 इंच का मार्जिन आप यहाँ दोगे. ओके, या फिर 0.5 यहाँ आ गया है, मैं एक बार 0.3 डालता हूँ. देन 0.5 मिनिमम आपको देना ही होगा. तो हम यहाँ मिनिमम 0.5 मार्जिन इनपुट कर देंगे, 0.5 मार्जिन. ओके, देन इसके बाद यहाँ पे हम ओके करके ओके के बटन को प्रेस कर देंगे. देखिए मेरा मार्जिन यहाँ पे कम हो गया है. ठीक है, तो इतनी आपको सेटिंग करनी है कैलेंडर को बनाने से पहले. ठीक है, तो चलिए शुरू करें आगे. अब सबसे पहले देखिए आपके डेज ऑफ वीक कितने होते हैं, 7. तो हमें यहाँ पे 7 इंचेस का गैप चाहिए था. 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये 7 इंचेस यहाँ पे आ गए आपके पास. ओके, अब क्या करना है, इसको भी बनाते वक्त आपको टैब का यूज़ करना है. तो कैसे टैब का यूज़ करेंगे, देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ, एस से संडे, देन टैब दबाता हूँ मंडे, फिर टैब ट्यूजडे, देन वेनेसडे. तो क्या आ रहा है, बहुत ही कम स्पेस आ रहा है एक एक के बीच में. मैं चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस आए. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टैब्स को सेट करना होगा. आपको टैब्स को बताना होगा जब मैं एक बार टैब प्रेस करूँ तो किस कितने इंच पे जाके रुके. तो वो चीज़ चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ को सेट कर लेते हैं. ठीक है, तो सेट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, पैराग्राफ ऑप्शन पे. ये पैराग्राफ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा. यहाँ पे आपको टैब्स का एक ऑप्शन मिलेगा. टैब्स के ऑप्शन पे जाके ये देखिए आप यहाँ पे टैब्स की स्टॉप पोजीशन को सेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे पहली पोजीशन देता हूँ 1, पहले वाले पे जाए सेट, फिर 2 से भी सेट कर लेता हूँ, 3 4 5 6 और ये 7. 7 क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे डेज ऑफ वीक जो होते हैं वो 7 होते हैं. और ओके करूँगा तो देखिए इनके नीचे डॉट्स एक तरीके से लग गए, ये पोजीशन यहाँ पे सेट हो गई है. अब पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जनवरी को लिख दूंगा, जनवरी. ओके, देन एंटर करके कर्सर नीचे लेके आऊँगा. उसके बाद मैं टैब ये संडे बटन को संडे को दबाऊँगा, संडे, या फिर टैब दबा लेना आप पहले, टैब कैपिटल में मैं लिखूँगा संडे, मंडे, टैब ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, कुछ इस तरीके से. देखिए आ गया. अब आप एंटर करिए, आपका 2020 कब से स्टार्ट हुआ था, आई थिंक वेनसडे से स्टार्ट हुआ था. एक बार नहीं तो चेक कर ही लेते हैं हम लोग, हमारा कब स्टार्ट हुआ था, एक मिनट यहाँ से चेक कर लेते हैं. ओके, वेनसडे से हमारा जो जनवरी था 2020 वो स्टार्ट हुआ था. तो हम वेनसडे से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो वेनसडे पे हमने कैसा रख रखा है, यहाँ टाइप करेंगे 1, देन टैब दबाएंगे 2, फिर टैब 3, फिर टैब 4. यहाँ पे आने के बाद टैब नहीं प्रेस करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे. देन आपको टैब दबा के आगे जाना है, 5, फिर टैब 6, टैब 7, टैब 8, टैब 9, इसी तरीके से आपको पूरी काउंटिंग करनी है. ओके, देन इसके बाद एंटर,
फिर 11 के बाद 12, देन टैब 13, 14, 15, 16, 17, 18, एंटर, फिर टैब 19, टैब 20, 21, टैब 22, टैब 23, 24, 25, एंटर, देन टैब 26, 27, 28, 29, 30 और 31st। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करके दो बार एंटर करके कर्सर को नीचे लेके आना है, ठीक है। कम से कम इतना नीचे आप लेके आओगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको डेकोरेट कर लो, आप जैसा भी डेकोरेट करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ जनवरी को थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाए, साइज़ तो फिलहाल हमको सबका बड़ा करना है, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ 26 साइज़, ओके। इसके बाद जनवरी को मैं सेंटर में लेके आता हूँ, तो ये सेंटर पोजिशन लगा दूंगा यहाँ पर अलाइनमेंट। इसके बाद जनवरी का अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो देखिए यहाँ से आप इस जनवरी का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से जनवरी का कोई ढंग का स्टाइल लगा देता हूँ, ये सही नहीं लग रहा, इसको लगा देते हैं, इसे बोल्ट कर देते हैं थोड़ा, ओके। और इसे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं, 36 इसे कर देते हैं, ओके। 36 इसका फॉन्ट साइज़ हो गया। इसका कलर चेंज करना चाहे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं ये भी यही रहने देता हूँ। इन सब का भी इस फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं थोड़ा, हम देखो कुछ इस तरीके का करना है तो इस तरीके से, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा, आप जो करना चाहो वो कर लेना, बाकी ये सही नहीं लग रहा। ओके, फिलहाल मैं इसी को कर देता हूँ, ये वाला फॉन्ट, इनको कर देता हूँ बोल्ट। ओके, बोल्ट नहीं हो रहे हैं, ये ऑलरेडी बोल्ट हैं, फॉन्ट ही बोल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा ही फॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सेंचुरी गॉथिक, ये रहा सेंचुरी गॉथिक, ओके इसे ले लेता हूँ, और ये फर्स्ट वाली लाइन बोल्ट रहेगी और बाकी सब जो है मेरा अनबोल्ट होएगा, कुछ इस तरीके से, ओके। देन इसके बाद कलर आप चेंज कर लेना, इसका अगर आपको चेंज करना हो तो मैं फ़िलहाल इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, और इन सब का ब्लैक ही रहने देता हूँ, और ये जो संडे है इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। कुछ इस तरीके से 26 जनवरी तो आ गई यहाँ पे, 14 की भी छुट्टी होती है, तो जो भी आपके ओकेजनली ऑफ होता है जहाँ, वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देन आपका देखिए जनवरी बन के हो गया तैयार। अब आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है पूरा, ठीक है, और इसे क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, चाहे यहाँ पे क्लिक करिए कॉपी कर लीजिए। याद है हमने एक 31st जब लिखा था, दो बार एंटर करके नीचे तक कर्सर लेके आए थे। अब नीचे कर्सर रखोगे देखो वहीं पर आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद इसी जनवरी का जितना आपने कॉपी किया इसे पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए टू टाइम्स भी जनवरी जनवरी आ जाएगा, ये पहला जनवरी, ये दूसरा जो आपने कॉपी किया है। अब क्या करना है आपको, जनवरी के आगे कर्सर रखना है और इसे बैक स्पेस से हटाना है, ठीक है, सेलेक्ट करके मत हटाइएगा, बैक स्पेस से। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फेब्रुअरी, ठीक है, ये इस तरीके से टाइप कर लिया। अब देखिए आपका जनवरी कब ख़त्म हो रहा है, फ्राइडे को, तो आपका फरवरी कब स्टार्ट होगा, सैटरडे से, ओके। तो आपको क्या करना है, ये 31st के आगे कर्सर रखना है, बैक स्पेस दबाना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैक स्पेस हटा करिए, फिर टैब से आज सैटरडे के पास आना है, फिर वन टाइप करना है, फिर टैब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंटर, टैब 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, एंटर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एंटर, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, ओके। हमारे 2020 में लीप था आपका, इसलिए 29 आप फरवरी तक चलेगा। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर भी आपने दो बार एंटर करके नीचे लेके आ जाना है,
ओके कि आपको यहाँ पे जगह मिल जाए जब आप इसे कॉपी करके मार्च के लिए बनाएं। तो अब क्या करना है, संडे संडे को जितने भी हैं इनका कलर आपने रेड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में किस तरीके से कैलेंडर बनाते हैं। तो आपका एक टास्क है कि आपको इसी कैलेंडर को कंप्लीट दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है जिस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं। नंबर है आपका, अब जिस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, जिस नंबर से आप मेरे से जुड़े हुए हैं, ये वाला नंबर 888-288-0965, इस नंबर पे आप मेरे को इस कैलेंडर को कंप्लीट करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस।